Hey guys, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आज सुबह 5 बजे उठा था। उठने के बाद जैसे ही मैं बाहर गया तो वो जो रोज कबूतर मुझे मिलता है, तीन, पर वहाँ पे आज तीन नहीं थे, दो ही थे। वो बेचारा अकेला रह गया आज। फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, और जैसे कि आपने देखा अभी कैमरा गिर गया था, ये ब्रश में बच गया मेरा फ़ोन एक टूटते टूटते। फिर दोबारा उसको माउंट किया और ब्रश किया। फिर जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी सूख गया था तो उसमें पानी दिया। यूजुअली पापा इसको इनको पानी देते हैं, बट वो बाहर गए हुए थे तो उनकी जिम्मेदारी आज मैं निभा लेता हूँ। नेक्स्ट पे मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभा लेता हूँ। तो अपना बिस्तर वगैरह ठीक किया और साफ किया उसको, गंदा पता नहीं कैसे हो जाता है। नेक्स्ट आज संडे था तो मुझे एक्स्ट्रा काम मिला, तो जो कपड़ों का तय करना था फिर मैंने सबको कपड़ों तय लगा दिया फटाफट से। फिर अपना पढ़ने बैठेंगे क्योंकि आज संडे है, तो आज कम ही पढ़ाई करूँगा। नेक्स्ट फिर फटाफट से अपनी जो टेबल है वो साफ़ करते हैं और पढ़ाई में के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने अभिनय सर ने जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में 2022 के पेपर डाले हुए हैं, मैंने उनका प्रिंट निकलवा लिया था, तो उनसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये सेट लगाया तो मैंने इसे एज अ एग्ज़ाम सेक्शनल मॉक दिया मैथ का जो होता है, बट जो मेरा स्कोर था वो 26.5 ही रहा इसमें, जो कि मेरा मैथ जो है गाइस वो बहुत ज़्यादा वीक है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ बट बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि मैं मैथ से भागने लगा था। दोबारा इस पर ध्यान दिया है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एग्ज़ाम तक के मैं लगा के चल रहा हूँ कि मुझे 35 मार्क्स मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि जो मेरी मेहनत है बस मुझे उसका फल चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा नंबर चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट अपना मैथ का सेट पेपर ख़त्म करने के बाद मैंने इंग्लिश का सेट पेपर उठाया, जो कि मैं MP पब्लिकेशन की जो बुक है, मेरे पास पुरानी बुक है, ये 2021 एडिशन है, तो मैं इससे कर रहा हूँ। इसमें जो लास्ट 2020 तक के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो आज मैंने जो लगाया वो 2019 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, जिसमें मेरे जो इस पेपर में मार्क्स बने थे वो 35.5 बने थे, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए अच्छा स्कोर है, क्योंकि अभी मेरा जो कुछ चैप्टर बचे हुए हैं जो मैंने किए ही नहीं हैं, तो उसके हिसाब से जो 30.5 बने हैं तो ओवरऑल मेरे लिए वो गुड है। मैं जैसे ही उसकी प्रैक्टिस उनको चैप्टर को कंप्लीट भी कर लूँगा और प्रैक्टिस भी कर लूँगा तो मुझे लगता है कि एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, और मुझे जो मेरा टारगेट है इस बार CGL में इंग्लिश में, तो मुझे वो 40+ ही करना है, और रीजनिंग में तो मेरा जो टारगेट है वो 50 ही रहेगा, और इंग्लिश में 40+, और जो मैथ में मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 30 से 35 लेकर चल रहा हूँ, और जो GS है उसमें मेरा जो टारगेट है वो 30 है, तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर बन जाएगा वो 150 के आसपास होगा, जो मेरा टारगेट है 140+ में जो स्कोर लाना है। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के बाद मैंने मिक्सचर एलिगेशन जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस की, क्योंकि मैंने उससे पहले दिन नोट्स रिवाइज किए थे उसके, तो जो मैंने प्रैक्टिस की वो गगन सर की बुक से की। इसमें क्वेश्चन जो हैं CGL में तो मिक्सचर एलिगेशन में कम ही क्वेश्चन आए हैं, 7-8 क्वेश्चन आए हैं बस 3 साल में, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं रहेगा इस बार, तो इसमें जितना पर मैंने कर लिया, क्योंकि ये और चैप्टर में जैसे अर्थमेटिक के और चैप्टर हैं उसमें अच्छे से एप्लीकेबल हो जाते हैं उसके जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ चीज़ों में, इसको करना ज़रूरी है। बेशक आप नोट्स अपने रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आज संडे भी था तो दो फ्रेंड के साथ मैं डोसा खाने चला गया। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका, आज पता नहीं क्या ही डाला था, आज अलग अलग इसका टेस्ट। नेक्स्ट फिर मैंने वहाँ से आके एक सेक्शन मॉक दिया रीजनिंग का, क्योंकि इसको मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे इसमें 50 out of 50 स्कोर करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो रोज़ एक सेट तो ज़रूर देना है एटलीस्ट। वैसे तो दो दे सकते हैं, अगर फुल मॉक दे रहे हैं तो एक दो, इसके अलावा अगर आप नहीं दे रहे हैं तो सेक्शनल में रीजनिंग के दो दो, बाकी एक एक आप कर सकते हो, बट अब से आप जब तक एग्ज़ाम ना हो रीजनिंग के दो सेक्शनल मॉक दिया करें, आपका जो स्कोर है डेफिनेटली बूस्ट होगा गाइस। और जो उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए अपने नोट्स से, या आप यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च मार के उसको रिवाइज कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक दोगे तो उस चैप्टर से वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको रिविज़न करना है उस चैप्टर का। टाइम कम बचा है अब तो हम गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते अब।
जो भी चैप्टर आप करो ऐसा करो कि नेक्स्ट टाइम उसको करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो जो आज का मेरा स्कोर था रीजनिंग में वो 40.5 ही था, जो कि नेक्स्ट स्कोर से सेम ही था। बट आज का जो सेक्शनल मॉक था वो ज़्यादा कैलकुलेटिव लगा मुझे, और टाइम टेबिंग तो नहीं था, नॉर्मली हो जाता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मली टाइम में हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा स्कोर था, और जिसमें से 3 मेरे गलत आए और 1 मैंने स्किप कर दिया था। तो आज संडे था तो मैंने बस इतनी पढ़ाई की। तो आज का व्लॉग भी यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू गाइस।